यहाँ का जो है बेस्ट सेब है यहाँ का। ये देखो ये एप्पल आप लोग देख सकते हो, डिलीशियस। तो हमारे साथ फातिमा है हमारे पास में। फातिमा नाम क्या है? फातिमा जान। फातिमा जान पूरा नाम है इसका। फातिमा पापस क्या है नाम? फातिमा चूंट का वाला किन किन है? जिस जिसको यहाँ से ताज़ा सेब चाहिए आप लोग हमें बता सकते हो, हम आपके लिए कैसे भेजा जाए सोनू भाई, वर्चुअल वर्चुअल भेज देते हैं यार। आज यहाँ पे आए तो किसी तरीके से वर्चुअल एप्पल भेज देते हैं हम इनके लिए। फातिमा भी छोटे थे इनको खा रही है। ये देखो फातिमा की स्ट्रगल देखो, फातिमा के दांत हिल गए हैं यहाँ पे है ना। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much differently. I am different. हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ तारीफ एंड यू आर वाचिंग तारीफ सोल व्लॉग। सबसे पहले जिसने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हम लोगों को सब्सक्राइब करो। और आज हम हैं एप्पल के गार्डन में, आप लोगों को दिख रहा होगा एप्पल्स ही एप्पल्स, सब जगह सेब ही सेब। हमारे साथ हैं खुर्शीद भाई, ये खुर्शीद भाई का गार्डन है, हम खुर्शीद भाई के गार्डन में आए हैं और ये जगह का नाम है आर्कीचक पुलवामा। पुलवामा में जगह है आर्कीचक, इसको एप्पल टाउन कहा जाता है। जो शोपियन और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को एप्पल टाउन कहा जाता है। तो खुर्शीद भाई आप हमारे व्यूवर्स को आज सारा बताओगे यहाँ पे कौन कौन सा वैरायटी है, किस किस तरीके का एप्पल है, ठीक है जी। पक्का एकदम से एक, चलो ठीक है गाइस आपको विजिट करवाते हैं इस गार्डन का। देखो ये दिलचस्प है, दिलचस्प ये वैरायटी जो है दिलचस्प वैरायटी है। हाँ ये सबसे बेहतर वैरायटी है हमारे बाग में है। सबसे पहले तो वो, दूसरा है कुल्लू। हाँ कुल्लू दिलचस्प बोलते हैं उसको। हाँ वो भी सबसे अच्छा है। अच्छा वो हमने उतारा, वो हमने मंडी में बेच दिया। वो एक पेटी में आता है 800-900 जैसा माल है। कुल्लू दिलचस्प जो खुर्शीद भाई कह रहे हैं वो सबसे अच्छा वैरायटी है यहाँ पे, वो इन्होंने सेल कर दिया अभी तक, ठीक है। कैसे बेचा? 800-900 रुपए पेटी, 850-950। ये अभी तो इसको लगेगा तकरीबन 5-8 दिन, 8 दिन के बाद में हम ये भी उतारेंगे इंशाल्लाह, ये भी बेच देंगे मंडी में। इसके बाद और वैरायटी है अमेरिकन। आ जाओ हमारे साथ दूसरी वैरायटी खुर्शीद भाई बताने जा रहे हैं। कौन सी वैरायटी खुर्शीद भाई? अमेरिकन, अमेरिकन वैरायटी। आ जाओ गाइस हमें आपको अमेरिकन वैरायटी बताते हैं। ये है? नहीं नहीं जी ये है अमेरिकन। आराम से। ये भी सबसे, तो गाइस ये है अमेरिकन वैरायटी। जी जी हाँ बहुत छोटा है। हाँ जी छोटा है मगर इसमें बहुत टेस्ट है। छोटा है धमाका बड़ा है, ठीक है ना, टेस्ट बहुत है इसमें। ये आप देख सकते हो कोई टेंशन नहीं है, जब भी आप लोग आओ खुर्शीद जी, भाई जी जी हमारे लोग बाग से आकर एकदम खा सकते हैं डायरेक्ट एक एप्पल, ठीक है खा सकते हैं। और खाना भी एक एप्पल है, इधर सुनो खाना भी एक एप्पल है, एक एप्पल से ज्यादा खाया नुकसान नहीं करना, नीचे नहीं गिरना चाहिए, यहाँ से जितना मर्जी उतार के खाओ, ठीक है सबको वेलकम है। अभी ये है अमेरिकन एप्पल क्यों, ठीक है हम इसको टेस्ट करते हैं गाइस कैसा है। एकदम इसमें बहुत ही टेस्ट है। तो इसके बारे में बताओ। इसके बाद तो हमने नाक भी था, हमने वो उतारा, वो भी हमने बेच दिया नाशपाती जी। अच्छा गाइस इसके बाद वहां पे था नाक, टंग जिसको कहते हैं हमारे पे, यहाँ पर
वो टंग भी था वो इन्होंने उतार के सारा सेल कर दिया। आप लोग देख सकते हो ये नीचे कितना पड़ा हुआ है यहाँ पर। यार बहुत ही पड़ा था यार, देख लो कितना पड़ा हुआ है नीचे। ये भी दिलचस्प था, ज्यादा कौन सा होता है यहाँ पर? ज्यादा तो दिलचस्प है, कुल्लू का सीजन खत्म हो गया, वो लोगों ने उतारा है यहाँ। अच्छा, ज्यादा दिलचस्प होता है यहाँ पर कुल्लू जो है, कुल्लू एप्पल उसका सीजन खत्म हो चुका है। खुर्शीद भाई कह रहे हैं वो बेच दिया हमने, ठीक है ना जी? जी जी है ना, गोल्डन है। गोल्डन कहाँ है? उधर आगे है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो गाइज आपको यहाँ पे सबसे जो बेस्ट वैरायटी एप्पल्स की वो हम बताने जा रहे हैं, वो है गोल्डन एप्पल। आप लोगों ने मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, मंडीज में, वहाँ पे ये देखा होगा गोल्डन एप्पल जो है सबसे महंगा भी मिलता है और सबसे टेस्टी भी होता है, एकदम से जूसी होता है। ये है गोल्डन एप्पल, आप लोगों को हम बताते हैं अभी, आ जाओ। ये देखो, देखो ये सबसे कम एप्पल है, ये ज़्यादातर नहीं रखे, पॉलिनेशन के लिए हम रखते हैं ज़्यादा। अच्छा हाँ, इसमें भी टेस्ट तो बहुत है यार। बताओ इसके बारे में खुर्शीद भाई। कलर तो उसको ऐसे ही रहा था, कलर उसको लाल नहीं होते हैं, कलर तो ऐसे ही, मगर ये सबसे कम है, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए हमने यहाँ पे पाइवंदा लगाया। अच्छा, ये पॉलिनेशन के लिए लगाया हुआ है गाइस यहाँ पे, ये कम ही रहता है। इसका कलर जो है आप देख सकते हो बस ऐसा ही रहेगा, ग्रीन रहेगा एकदम, मगर इसको जो है गोल्डन एप्पल कहते हैं, ठीक है ना? और सबसे टेस्टी एप्पल होता है ये, क्यों खुर्शीद भाई? ये तो इसमें तो बहुत ही टेस्ट है, हाँ एकदम से अच्छा है, हाँ। और ये कम भी होता है, पॉलिनेशन के लिए हमने भी रखा है। और अगर ये इतना ही टेस्टी होता है तो हम बाग में क्यों नहीं खाएंगे? खाओ ना, क्यों खुर्शीद भाई? खाओ एकदम से, तोड़ो एकदम से, ये लगा ना गाइस, ये तोड़ लिया ये। अब हम लोग अमेरिकन एप्पल को टेस्ट करने के बाद गोल्डन एप्पल को टेस्ट करेंगे। या खुदाया क्या कह रहा है, जहर है जहर। क्या तो क्या वैरायटी है, जबरदस्त, क्या वैरायटी है, जबरदस्त वैरायटी है, क्यों खुर्शीद भाई? देखो ये बादाम का बूटा है, वो भी सीजन खत्म है, वो भी हमें हाँ, बता रहा है। ये है बादाम, फेमस बादाम, ये देखे ना आरिफ भाई, ये आलमंड्स, ये मैंने उतारे हैं, ये आलमंड्स का पेड़ है, ये हमने कुछ आलमंड्स अभी उतारे हैं, ये देखो ये एजाज भाई के हाथ में है आलमंड्स, ये यहाँ का जो है फेमस आलमंड्स है। ये बादाम आपको पता ही हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, मगर अभी जो है बादाम का सीजन खत्म हो चुका है, अभी बादाम सारे उतार चुके हैं यहाँ पे। खुर्शीद भाई बताओ थोड़ा बादाम के सीजन के बारे में। ओ बादाम तो यार सीजन उतना ही नहीं था यार जितना तो पिछले सालों में था। अच्छा, इसलिए बर्फ की वजह से ये सब टूटे हुए थे, इसीलिए तो बादाम कम ही था। अच्छा, बादाम जो इस बार कम ही हुआ क्योंकि बर्फ की वजह से, बर्फ की वजह से यहाँ जो बाकी बूटे हैं वो भी तोड़े यार। हाँ, बर्फ जो है थोड़ा नुकसान कर देती है गाइस, स्नोफॉल जब ज्यादा होता है तो थोड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए बादाम इस बार थोड़ा कम हुआ है। मगर सेब आप लोग देख सकते हो, सेब का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फिर भी जो है बाग माशाल्लाह पूरा भरा हुआ है। और अभी ये भी बता रहे थे खुर्शीद भाई, एजाज भाई भी बात कर रहे थे, हालात थोड़े ख़राब रहते हैं क्योंकि पिछले साल तो बहुत ख़राब थे हालात, हम उस पिछले साल को हमें रेट नहीं मिला। पिछले साल जब मैं बाग में आया था यार, मुझे लगता है मैं क्या करूँगा, इधर पूरा ख़त्म हो गया ये, फिर भी अल्लाह का करम है, मैंने सोचा यार बस ख़त्म हो गया सेब का सीज़न, कब बनेगा यार, 20 साल हो गया यार बना बना के, पूरा ख़त्म हो गया, फिर भी अल्लाह का करम है माशाल्लाह तो ठीक इस साल भी है। हाँ चलो माशाल्लाह अच्छा हो गया। भाई के घर रुक रहे हैं आज, हमें 15 दिन हो गए खुर्शीद भाई यहाँ पर, है ना जी? 15-16 दिन हो गया आज हमें गाइस, एकदम मस्त खाना खिलाया खुर्शीद भाई ने, माशाल्लाह कश्मीरी वाजवान खाया हमने दबा के, रोगन जोश, मटन, रिश्ते, गोश्ताबे, कोरमा, सब कुछ खाया दबा के। हमारे साथ हैं अभी फातिमा, फातिमा ने यहाँ से सेब उतार के खाया है। देखो फातिमा, फातिमा के बारे में आपको बता दूँ गाइस, उर्दू नहीं बोल सकती हैं, शी स्पीक्स ओनली कश्मीरी,
पेड़ से उतार के खाओ। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। दिस वॉज जस्ट अ सिंपल विजिट टू द एप्पल ऑर्चिड्स टू शो यू द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, टू शो यू वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग इन कश्मीर, कश्मीरी एप्पल।